कंसीडर दिस गेट 1998 क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा द स्ट्रिंग 1101 डज नॉट बिलोंग टू द सेट रिप्रेजेंटेड बाय, ओके। और ये चार रेगुलर एक्सप्रेशन से गिवेन है। पहला पॉइंट है यहां पर, जैसा कि आपने गेट 1997 का क्वेश्चन किया, उसमें क्या था, इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें था कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरो जीरो और वन, ओके, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ इनपुट अल्फाबेट 0, 1, उस जिसमें 100 सब स्ट्रिंग ना हो, ऐसा क्वेश्चन आपने गेट 1997 में पढ़ा था, ओके। तो वहां पर क्या देखना था हमको, कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन देखना था जो 0 और 1 की सारी स्ट्रिंग्स को इंक्लूड करता हो, ओके, और साथ में किसी भी स्ट्रिंग में 100 सब स्ट्रिंग ना हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर सिंपल एक बात है कि जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, क्या वो 1101 को इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमको सिर्फ इतना देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि क्या 0 और 1 की बनी हुई सारी स्ट्रिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं, मतलब क्रिएट हो रही हैं या नहीं, हमें ये नहीं देखना, ओके। सो द स्ट्रिंग 110 डज नॉट बिलोंग टू द सेट रिप्रेजेंटेड बाई, किस सेट में 1101 मीन्स बिलोंग नहीं कर रहा। चलो देखते हैं पहले ऑप्शन को। अगर पहले ऑप्शन को देखो तो यहां से क्या है, हमको क्या चाहिए 1101, तो इससे देखो, इससे मैं क्या लेता हूं, इतने से मैं लेता हूं 110, ओके। इस जीरो स्टार से मैंने सिर्फ एक जीरो लिया है, आप जीरो स्टार का मतलब जानते हैं, जब भी ये 0+1 लिखा रहता है इसका मतलब होता है पैरेंथेसिस के अंदर, इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रिंग में या तो आप जीरो लेंगे या तो आप वन लेंगे, ओके, फॉलोड बाय में इसके बाद, ओके। तो लेट मैंने इसमें से ले लिया वन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1101 स्ट्रिंग इसमें से जनरेट की जा सकती है, ओके। और अब की बार सब स्ट्रिंग नहीं है, कंप्लीट पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ओके, पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग 100 डज नॉट बिलोंग टू, ओके। तो 1101 स्ट्रिंग इसमें से मीन्स इसमें कंटेन हो रहा है, सब स्ट्रिंग नहीं, हम सब स्ट्रिंग नहीं देख रहे हैं, हम स्ट्रिंग देख रहे हैं। दूसरा, अगर इसमें बात करूं बी ऑप्शन में, तो यहां पर आप देखो क्या इसमें 1101 प्रेजेंट है, तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी, मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग 1101 क्या इसमें से क्रिएट हो रही वो देखना है, अगर हो रही है तो ये ऑप्शन नहीं है, ओके, इसमें से हो रही थी इसलिए ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में अगर मैं 0+1 के स्टार का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 और 1 की कोई भी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, तो मैं क्या करता हूं 0+1 को क्या कर दूं, एप्सिलॉन कर दूं, इसको पूरा एप्सिलॉन कर दूं, तो 1101 इसमें से मिल रहा है, ओके, एंड देयरफॉर ये भी आंसर नहीं है, ओके। अगर सी की बात करूं, ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में क्या 1101 मुझे मिल सकता है, जैसे देखो वहां यहां 10 स्टार है, इसका मतलब बिगिनिंग में 1 अगर 10 का मींस देखो यहां एप्सिलॉन, यहां सॉरी यहां स्टार, यहां स्टार, यहां स्टार, इसका मतलब ये पूरा एप्सिलॉन हो सकता है, ये पूरा एप्सिलॉन हो सकता है, और ये पूरा एक साथ एप्सिलॉन हो सकता है। अब अगर इन दोनों को मैंने एप्सिलॉन कर दिया तो क्या 10 के स्टार से, 10 के होल स्टार से क्या 110 बना सकते हैं स्ट्रिंग, नो, नेवर, ओके, आप ये स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं। अगर मैं इसको एप्सिलॉन ले लूं, इसको एप्सिलॉन ले लूं, इसको एप्सिलॉन ले लूं, सिर्फ इससे बनाऊं, क्या 10 का मींस 1101 इससे क्रिएट हो सकती है स्ट्रिंग, नहीं हो सकती है, ओके, क्योंकि 0 जैसे 01 का होल स्टार है, तो आप जब स्ट्रिंग क्रिएट कराते हो तो स्ट्रिंग क्रिएट कराने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओके, 01 का स्टार, 01 का स्टार, ओके। अब इसमें से मुझे या इसको और 4 बार और 10 बार और या एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हो, इस तरह से बोथ आर इक्विवेलेंट, और इसके बाद इसमें से अपनी स्ट्रिंग जो भी हमें जनरेट करानी है वो हम जनरेट कराएं, ओके, लेकिन नहीं बन पाए, ओके।
ऐसा भी मैं नहीं कर सकता हूं कि बिगिनिंग में इन इन दोनों एक्सप्रेशन को लेकर के 10 के स्टार को और 01 के स्टार को लेकर के कुछ जनरेट करा सकूं 110, क्यों? क्योंकि दो वन कॉन्जेक्टिव में नहीं हो सकती। तो फिर बात करते हैं किसकी, अब सिर्फ इसको एप्सिलॉन करते हैं, इसको करते हैं और इससे चेक करते हैं, इससे भी नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 11 की बनी हुई कोई भी हिस्ट्री, 11 एक साथ आएगा जब भी आएगा, 00 की बनी हुई कोई भी हिस्ट्री, या तीसरा 00 और 11 की बनी हुई कोई भी हिस्ट्री। ओके, तो इसका मतलब है यहां पर तो सिंगल जीरो है, जबकि ये जब भी जीरो आएगा इसकी थ्रू तो उसमें डबल जीरो होंगे, इसका मतलब इससे कभी भी आप जनरेट नहीं करा सकते 1101, एंड देयरफॉर इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू डी ऑप्शन। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, 00 प्लस 11 का होल स्टार 0 का होल स्टार। ओके, अब देखो अगर मुझे इसको इससे जनरेट कराना है तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, क्या, 00 प्लस 11 का होल स्टार 0, ओके, का होल स्टार ये है। ये जो एक्सप्रेशन है इसको, ये इसके भी इक्विवेलेंट है, इस अगर मैं इसको अंदर वाले मींस अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल रहा हूं आर स्टार लेट, ओके, तो आर स्टार इक्विवेलेंट टू आर स्टार आर स्टार आर स्टार, कितनी भी बार इसको लिख सकता हूं, ये सब कॉन्कैटिनेशन में है। ओके, तो अगर मैं ऐसे इसको लिख भी लेता हूं 00 प्लस 11 का होल स्टार 0 का होल स्टार, ऐसे कर दिया, अब कोशिश करता हूं कि 1101 क्या क्रिएट हो सकता है, तो लेट कि मैंने यहां से, मुझे बिगिनिंग में 11 चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहां पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ है इसकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग्स या इसकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग्स या इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एनी नंबर ऑफ रिपीटेशन इनकी बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग। ओके, तो अब यहां से अगर मुझे चाहिए क्या 11, तो इससे अगर 11 चाहिए तो इसको रिपीटेशन को इसको क्या करूं, इसको वन टाइम कंसिडर करूं, अगर यहां पर पावर 1 है तो आप चाहे 00 लो चाहे ये लो, तो इसको लूंगा और इसके बाद ये वाला भी स्टार है इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इससे भी इसकी भी इसको भी रिपीटेशन 1 करता हूं तो 11 यहां से मिलेगा, लेकिन 0 कंपल्सन है, 0 लेना ही पड़ेगा, तो 110 मिल गया है। अब मुझे क्या चाहिए दूसरे वाले से, इससे अगर एक सिंगल 1 मिल जाए या इवन डबल 1 मिल जाए, ओके, डबल 1 मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा, ओके, क्योंकि डबल 1 अगर डबल 1 मिल गया तब भी मेरा काम नहीं, मेरे को पूरी पूरी स्ट्रिंग 1101 चाहिए। ओके, तो इतने से तो मैंने 110 निकाल लिया है। ओके, अब मैं, मेरे को क्या चाहिए 110, सिर्फ एक 1 चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहां देख लो जीरो ये इसमें पूरे में अगर सपोज करो इसकी पावर 1 इसको कर लूं, इसको 1 कर दूं तो, और ये प्लस है तो या तो इसको लूं या तो इसको लूं। ओके, अगर इसको लेता हूं तो मेरे को हर हाल में 110 लेना पड़ेगा। ओके, हर हाल में 1101 लेना पड़ेगा, मींस 1101, ये मैं सिर्फ इतनी स्ट्रिंग नहीं जनरेट करा सकता, अगर सब स्ट्रिंग होती तो वो इसमें जनरेट हो रही है, लेकिन यहां पर है स्ट्रिंग, पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या ये कंटेन नहीं हो रही है, तो इसमें 1101 डी ऑप्शन में भी कंटेन नहीं हो रही है, एंड देयरफॉर डी इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो फाइनली सी एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड दैट्स